hello students in the previous video we have discussed some basic introduction about the chapter number 2 that is polynomial in which we have discussed about terms variables coefficient degree right and based on two factors we have categorized polynomial into two parts that is based on terms and based on degree right so in this video we are using those concepts and try to solve the some examples and understand that concept through the example so let's start today's video the first question is find the degree of each of the follow each of the polynomials given below so first of all we need to understand what do you mean by degree students so in the previous video i have already told you डिग्री मीन्स वॉट द मैक्सिमम और हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मतलब एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी हाइएस्ट पावर आपको चेक करनी है स्टूडेंट्स क्लियर उसको हम क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं राइट सो हियर आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स सम सम्स एंड यू हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोम द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स रेज टू फाइव माइनस एक्स रेस फोर प्लस थ्री ना देख सकते हो यहां पे स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन में डिग्री मतलब पावर तो ये एक्सप्रेशन पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है आपके पास एक्स है क्लियर तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है इधर स्टूडेंट्स फाइव है सो so, हम क्या लिखेंगे डिग्री इक्वल्स टू फाइव इज इट क्लियर राइट सेकेंड क्वेश्चन इज टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस टू वाई रेस टू एट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स ये पूरे एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल कौन सा है आपका वाई है तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाई की पावर कितनी है टू यहाँ पर वाई की पावर कितनी है थ्री और यहाँ पर वाई की पावर कितनी है एट पावर मतलब ये ऊपर वाला नंबर राइट right?

या तो दूसरे वर्ड में अगर आप बोलना चाहोगे तो कैसे बोल सकते हो कि ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ही ना हो राइट right? आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इधर वेरिएबल है एक्स इधर वेरिएबल है एक्स ये जो टर्म है उसमें वेरिएबल नहीं है चलो यहाँ पे भी वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे इसके बाजू में कोई भी वेरिएबल है नहीं सो so, ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ही ना हो उसको हम क्या कहेंगे कॉन्स्टेंट टर्म ओके नाउ वाट डू मीन बाय डिग्री आपको क्या फाइंड करना है डिग्री फाइंड करना है स्टूडेंट्स और डिग्री का मतलब क्या बताया मैंने मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ध्यान से समझना ये यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है स्टूडेंट्स किसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की अब आप देख सकते हो ये टर्म में तो वेरिएबल ही नहीं है अगर वेरिएबल ही ना हो तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स ज़ीरो राइट सो द डिग्री ऑफ दिस इज ज़ीरो आई होप आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन नंबर फोर दैट इज़ सेवन एक्स प्लस फाइव ओके इन दिस सेवन एक्स प्लस फाइव अब देख सकते हो वेरिएबल वाला टर्म यही एक्स ही है तो इसके ऊपर कोई भी पावर ना हो तो क्या गिनते हैं हम स्टूडेंट्स वन गिनते हैं क्या गिनते हैं वन सो द हाइएस्ट पावर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ वन सो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ वन क्लियर आई होप आपको ये कंसेप्ट में समझ में आ गया होगा so how we can find the degree of the polynomial we have to see the maximum power of the variable okay now the next question is check whether the following expression are polynomial or not okay ध्यान से समझना students यहाँ पे question क्या है कि नीचे जो आपको expressions दिए हैं वो polynomial है कि नहीं है so polynomial है या नहीं है उसके लिए कुछ rules है जो आपको याद रख रहे हैं द फर्स्ट रूल इज पावर शुड नॉट बी नेगेटिव आपका जो वेरिएबल है एक्सप्रेशन के अंदर उसकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स ध्यान से ये रूल को याद रखना ठीक है सेकेंड रूल इज पावर शुड बी होल नंबर ना वॉट डू मीन बाय होल नंबर स्टूडेंट्स द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो सो जीरो भी हो सकती है वन भी हो सकती है टू भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती इज इट क्लियर एंड थर्ड रूल इज पावर शुड नाट इन फ्रैक्शन आपकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए नहीं इसका मतलब टू अपॉन थ्री थ्री बाय फोर ऐसे नंबर्स आएंगे तो हम बोलेंगे कि यह एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है क्लियर आई होप आपको पता चल गया होगा राइट एंड रूल नंबर फोर Is your variable should not be in denominator?

कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है आपका पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए दैट इज होल नंबर आपका पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है सो कैन वी से दैट दिस एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल सो यस इट इज पॉलिनोमियल क्लियर ओके नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू एक्स रेस्ट टू थ्री अपॉइंट टू प्लस थ्री एक्स प्लस वाई ना यू कैन सी दिस पावर ऑफ दिस वैरिएबल डिग्री ऑफ दिस वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या है थ्री अपॉइंट टू सो यहाँ पर रूल नंबर थ्री वायोलेट हो रहा है क्या है रूल नंबर थ्री पावर शुड नॉट बीन फ्रैक्शन तो लेकिन यहाँ पर तो क्या है फ्रैक्शन सो इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते सो नो इट इज नॉट अ पोली So, ये पोलिनोम नहीं कहलाएगी स्टूडेंट्स क्लियर ओके थर्ड एक्सप्रेशन इज रूट एक्स प्लस फाइव हाँ एक ये भी रूल है कि वेरिएबल के ऊपर कोई भी टाइप का रूट होना चाहिए नहीं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जब भी रूट हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स रिस्ट टू वन अपॉइंट टू रूट है इसलिए वन अपॉइंट टू सपोज यहाँ पे ऐसा होता क्यूब रूट ऑफ एक्स तो क्या लिखते हैं एक्स रिस्टू वन अपॉन थ्री क्लियर लेकिन इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि वेरिएबल के ऊपर अगर कोई रूट दिया है तो वो भी पोलिनोम कहलाएगी नहीं सिर्फ वेरिएबल की बात करते हैं स्टूडेंट्स सो नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल क्लियर देन ओके नेक्स्ट इज टू एक्स टू टू प्लस फाइव एक्स प्लस रूट फाइव तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि सर आपने बोला है कि रूट नहीं होना चाहिए तो हम ये पोलिनोमल कहलाएगी नहीं लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बोला वेरिएबल के बारे में कांस्टेंट टर्म चाहे कुछ भी हो कोअफिशेंट चाहे कुछ भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको सिर्फ क्या चेक करना है वेरिएबल ही चेक करना है सो तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है होल नंबर में है सो तो इसको हम कह सकते हैं यस इट इज अ पॉलीनोमियल क्लियर ओके द फिफ्थ क्वेश्चन इज वन अपॉन एक्स प्लस टू अब देखो यहाँ पे रूल नंबर फोर क्या था स्टूडेंट्स कि योर वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर आपका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए यहां पे तो वेरिएबल कहां है डिनोमिनेटर में है तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते तो क्या लिखेंगे नो no. इट इज नॉट अमियल क्लियर सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल और नॉट आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसड एक्सरसाइज टू पॉइंट वन यूजिंग दिस कन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज टू पॉइंट वन एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ध्यान देना स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट तो नीचे जो आपको एक्सप्रेशन दिए है उसमें कौन सी पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन सी नहीं है स्टेट द रीजन्स फॉर योर आंसर आपको उसके लिए रीजन्स भी देने हैं सो लेट स्टार्ट our फर्स्ट क्वेश्चन that is 4x एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस सेवन सो आपको चेक करनी है पहले तो polynomial है कि नहीं और वो भी किस में वन वेरिएबल में तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है एक्स अब मैं अगर पूछता हूँ कि इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर देंगे टू दैट इज रॉन्ग स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ही वेरिएबल है दैट इज़ x राइट right? अगर x और y दो हो सपोज ऐसा हो एक्स एंड वाई तो हम बोल सकते कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं क्लियर ओके okay. सो so, ये एक ही वेरिएबल में दैट इज़ फिक्स ओके अब पोलिनोमल है कि नहीं वो चेक करना है तो अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि पोलिनोमल के लिए आपको रूल्स याद रखने हैं पोलिनोमल है, है कि नहीं उसके लिए तो क्या रूल थे कि आपकी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आपकी पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए आपकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और कभी भी वेरिएबल के ऊपर रूट वाला टर्म होना चाहिए नहीं और एक लास्ट रूल क्या था कि आपका जो वेरिएबल है वो कभी डिनोमिनेटर में आना चाहिए नहीं क्लियर तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है फ्रैक्शन में भी नहीं है वेरिएबल जो वेरिएबल के ऊपर रूट भी नहीं है राइट ये सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इट इज़ अ पोली नोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज होल पावर क्लियर उसके पास क्या है पावर जो है वो होल नंबर में है डन सो दैट इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट इज वाई रेस टू टू प्लस रूट टू तो मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स आगे बताया था कि हमें कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं है आपको सिर्फ पोलिनोमल है कि नहीं वो चेक करना है तो क्या चेक करोगे वेरिएबल की ही पावर चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वायर एस टू टू है राइट सो पावर नेगेटिव भी नहीं है फ्रैक्शन में भी नहीं है यहाँ पर कोई रूट वेरिएबल के ऊपर कोई रूट नहीं दिया यहाँ पर चलता है लेकिन वेरिएबल पर नहीं चलेगा तो ये सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो क्या लिखेंगे यस इट इज़ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज यहां पर एक ही वेरिएबल है वाई बिकॉज इट हैज होल पावर क्लियर स्टूडेंट्स ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू अब देखो यहां पर वेरिएबल तो एक ही है टी राइट बट इसको हम क्या पोलिनोम बिकॉज यहां पे क्या है रूट टी दिया हुआ है क्या दिया है स्टूडेंट्स रूट टी तो वेरिएबल के ऊपर कभी भी रूट आना चाहिए नहीं तो हम क्या लिखेंगे इधर नो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज क्यों क्यों पोलिनोम नहीं है ये बिकॉज इट हैज अ रूट इन वेरिएबल और वी कैन से दैट रूट टी को कैसे लिख सकते हो टी रेस टू वन अपॉन टू तो ये पावर कैसी हो गई भाई फ्रैक्शन में हो गई तो ये भी लिख सकते बिकॉज इट हैज अ पावर इन फ्रैक्शन सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल क्लियर ओके ना द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर y प्लस टू अपॉन वाई तो यहाँ पे भी वेरिएबल तो एक ही है स्टूडेंट्स y बट अब देख सकते हो आपका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है राइट right? आपने एट्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि वन अपॉन एक्स हो तो मैं एक्स को ऊपर ले जाऊँ तो एक्स टू क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे भी वाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इस तरीके का हो जाएगा वाई प्लस टू वाई रेस्ट टू माइनस वन तो यहाँ पे तो पावर क्या हो गई नेगेटिव हो गई इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है नो इट इज नॉट पोलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ अ वेरिएबल इज इन नेगेटिव वेरिएबल की पावर क्या है नेगेटिव है क्लियर ओके okay. The next question is x रेस to 10 plus y रेस to 3 plus t रेस to 50. Okay, so यहाँ पे तो पहले check क्या करना है कि गिवन एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल स्टूडेंट्स यहाँ पे तो देखो x है y है और t है तीन अलग अलग variables है right तो ये polynomial नहीं होगी one variable में ठीक है देखो यहाँ power कोई negative नहीं है लेकिन यहाँ पे variable क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में सिर्फ वन वेरिएबल में ही चेक करने को बोला है सो क्या लिखेंगे नो इट इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज इट हैज थ्री वेरिएबल्स क्लियर अंडरस्टैंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन समझ में आ गया होगा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन राइट द कोऑफिशियंट ऑफ एक्स एक्सप्रेशन ओके क्या लिखना है स्टूडेंट्स को ऑफिशियंट ऑफ एक्स स्क् एक्सक्वायर का कोऑफिशेंट लिखना है आपको सो ये कोफिशियंट टर्म्स वेरिएबल्स डिग्री ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स सो so, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो so मैं उसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूँ यू जस्ट गो थ्रू इट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन ट्राई टू सॉल्व द सम राइट अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत होगी क्लियर ओके द फर्स्ट इज़ टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको यहाँ पे कोऑफिशियंट लिखना है स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सपोज टू एक्स प्लस फाइव है तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है एक्स तो एक्स का कोओफिशंट क्या होगा उसके आगे जो नंबर है उसको हम कोओफिशेंट कहेंगे तो यहाँ पे टू जो है वो क्या हो गया कोओफिशेंट हो गया स्टूडेंट्स ओके सपोज़ एक्स प्लस फाइव दिया है ओके okay. तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है उसके आगे तो कोई नंबर नहीं दिया है जब भी कुछ ना दिया हो तो क्या अज्यूम करेंगे वन अज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स क्या अज्यूम करेंगे वन सो दिस इज़ वॉट कोओिशेंट टीक मन अनदर एग्जाम्पल लाइक माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव राइट तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं दिया है स्टूडेंट्स तो क्या कंसिडर करेंगे वन बट कैसा माइनस वन क्या ज्यूम करेंगे माइनस वन क्लियर सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको एक्स स्क्वायर का ही कोओफिशेंट लिखना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायेर के आगे कुछ भी नंबर नहीं दिया है लेकिन इसकी साइन देखो क्या है प्लस तो कुछ ना दिया हो तो क्या गिन सकते हैं वन तो इसका कोफिशेंट कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे वन क्लियर है स्टूडेंट्स ओके लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही कोफिशेंट लिखना है इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो क्या गिनेंगे वन लेकिन आप इसकी साइन देख सकते हो क्या है माइनस तो इधर क्या लिखेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायेर इक्वल्स टू माइनस वन क्लियर ओके थर्ड क्वेश्चन इज पाई बाई टू अपॉन सॉरी पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो एक्स स्क्वायेर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है पाई अपॉन टू सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट कोऑफिशंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई अपॉन टू दिस इज द आंसर क्लियर हाँ क्वेश्चन नंबर फोर इज रूट टू एक्स माइनस वन ओके आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का को लिखना है स्टूडेंट्स जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है देखो यहाँ पे एक्स की हाइएस्ट पावर कितनी वन एक्स स्क्र वाला जब टर्म ही नहीं है तो इसका को क्या होगा ज़ीरो कोऑफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो क्लियर क्यों जीरो आया स्टूडेंट्स क्योंकि वहां पे ये एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं तो इसका को क्या कहलाएगा जीरो आई होप आपको को कैसे फाइंड करते हैं वो समझ में आ गया होगा लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री थर्टी फाइव एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड सी बाइनोमियल एंड मोनोमियल ये भी कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे कि किसको मोनोमियल कहते हैं किसको बाइनोमियल कहते हैं किसको ट्राइनोमियल कहते हैं राइट सो मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल

मतलब आपको बाइनोमियल का और मोनोमियल का हर एक का एक एक एग्जाम्पल देना है तो पहले क्या फाइंड करने को पूछा है आपको बाइनोमियल ऑफ डिग्री थर्टी फाइव तो इधर क्या लिखेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री थर्टी फाइव चलो बाइनोमियल होना चाहिए मतलब एक्सप्रेशन में दो टर्म होने चाहिए और वो एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स थर्टी फाइव तो आप कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हो सपोज एक्स रेस टू थर्टी फाइव ये डिग्री हो गई थर्टी फाइव प्लस टू क्लियर तो ये क्या हो गया दो टर्म्स है एक्सप्रेशन में तो ये बाइनोमियल हो गया और ये एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है थर्टी फाइव तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन बनाने हैं चलो कोई एक अनदर एग्जाम्पल बनाते हैं तो वाई रेस टू क्या लग गया थर्टी फाइव प्लस वाई क्लियर तो इस इक्वेशन में भी कितने टर्म्स हैं दो टर्म्स तो ये बाइनोमियल हो गया और इस एक्सप्रेशन की हाइएस्ट डिग्री कितनी थर्टी फाइव क्लियर सो इन दिस वे यू कैन राइट बाइनोमियल ऑफ डिग्री थर्टी फाइव चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर मोनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड इसमें आप कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हो लेकिन सिर्फ दो टर्म होने चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए थर्टी फाइव यहाँ पे मोनोमियल मोनोमियल मतलब ओनली सिंगल टर्म क्या होना चाहिए स्टूडेंट सिंगल टर्म ऑफ डिग्री हंड्रेड तो जिसकी डिग्री हंड्रेड हो तो क्या लिखेंगे एक्स रेस टू हंड्रेड सिंगल टर्म है वाई रेस टू हंड्रेड सिंगल टर्म है जेड रेस टू हंड्रेड सिंगल टर्म है राइट सो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल विद डिग्री हंड्रेड क्लियर बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टू पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फोर राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल्स सो so, मैंने आपको स्टार्टिंग ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझाया कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं डिग्री मीन्स वॉट हाइएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल सो ये एक्सप्रेशन में फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स तो ये पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाइएस्ट डिग्री कितनी है थ्री तो इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स डिग्री इज इक्वल टू थ्री क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर माइनस वाई स्क्वायर ओके तो ये एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा वाई और उसकी हाइएस्ट पावर कितनी है टू तो ये एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स टू हो जाएगी क्लियर है चलो द नेक्स्ट इज फाइव टी माइनस रूट सेवन यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है स्टूडेंट्स टी और टी के ऊपर कुछ वेरिए पावर नहीं दी है इसका मतलब उसकी हाइएस्ट पावर कितनी कंसिडर की जा सकती है वन सो डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज़ वन क्लियर ओके okay. ऐसा एक एग्जाम्पल हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही लिया था कि यहाँ पे थ्री दिया है अब देखो इस एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है और डिग्री का मतलब मैंने क्या समझाया था स्टूडेंट्स आपको द मैक्सिमम पावर ऑफ दी वेरिएबल अब ये एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी ज़ीरो सो डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो तो याद रखना स्टूडेंट जब भी कांस्टेंट टर्म दिखे क्या दिखे कांस्टेंट तो उसकी डिग्री क्या कहलाती है जीरो कहलाती है स्टूडेंट्स क्या कहलाती है जीरो राइट right? और ऐसी पोलिनोमियल को आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स जीरो पोलिनोमियल कहोगे क्या कहोगे जीरो पोलिनोमियल क्लियर सो द नेक्स्ट एंड फाइव ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन दैट इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक नीचे जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो लीनियर है क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है वो आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए भी आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा चलो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स जिसकी डिग्री क्या हो वन जिस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो वन हो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे जिसकी डिग्री टू हो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमल कहेंगे और जिसकी डिग्री थ्री हो उसको हम क्या कहेंगे क्यूबिक कहेंगे क्लियर सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नाउ आप देख सकते हो यह पूरे इक्वेशन या पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हाइएस्ट पावर कितनी है टू सो so, जिस इक्वेशन जिस एक्सप्रेशन की पावर डिग्री टू हो उसको कौन से पोलिनोमल कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोम कहेंगे स्टूडेंट्स क्लियर ओके द नेक्स्ट इज एक्स माइनस एक्स रेस्ट टू थ्री इसमें हाइएस्ट डिग्री कितनी है थ्री तो ये कौन सी पोलिनोमिल कहलाएगी स्टूडेंट्स क्यूबिक वन हो तो लीनियर टू हो तो क्वाड्रेटिक एंड थ्री हो तो क्यूबिक क्लियर अगर फोर्थ पावर दी है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं ओके चलो नाउ वाई प्लस वाई रेस टू टू प्लस फोर ये इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है टू तो कौन सी कहलाएगी स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक क्लियर द क्वेश्चन नंबर फोर इज़ वन प्लस एक्स देखो यहाँ पे वेरिएबल ये है इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं दिया कुछ ना दिया तो क्या कंसिडर करते हैं हम वन चलो जिस एक्सप्रेशन की डिग्री वन हो उसे हम क्या कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल स्टूडेंट्स क्लियर ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दैट इज थ्री टी वेरिएबल टी है उसकी पर कुछ नहीं दिया है तो क्या गिनेंगे वन तो so, जिसकी डिग्री वन हो उसको हम कौन सी पोलिनल कहेंगे लीनियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज आर रेस टू टू चलो पावर कितनी है टू टू हो तो हम कौन सी पोलिनोमल कहेंगे कॉर्ड्रेटिक पोलिनोम लास्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन दैट इज सेवन एक्स रेस टू थ्री देखो पावर कितनी है थ्री है थ्री है तो हम क्या कहेंगे क्यूबिक पोली सॉरी सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर वन टू फाइव ऑफ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन समझ में आ गया होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने दे दी है यू जस्ट गो थ्रू इट अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड एक्सरसाइज टू पॉइंट वन राइट आई होप आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज टू पॉइंट वन समझ में आई होप आपको क्वेश्चन आई होप आपको एक्सरसाइज टू पॉइंट वन समझ में आ गई होगी राइट सो इफ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है यू जस्ट गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू